नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाटिका निकालेंगे और आज हम इसका पार्ट 6 छाता, जो कि एक बड़ी ही मज़ेदार कविता है, पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में हमने पार्ट 5 भीमा गधा जो है वो पढ़ा था और इसका अभ्यास यह पार्ट मैंने आपको कहानी पढ़ के सुनाई थी। इसका अभ्यास कार्य जो है मैंने आपको पुस्तक में पूर्ण कराया था। ये प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखने के लिए दिए थे व इस पाठ के शब्दार्थ व वाक्य भी मैंने आपको कॉपी में करवाए थे। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने इतना काम अपना पूर्ण कर लिया है। कोई बच्चा अपना पुराना काम पेंडिंग नहीं छोड़ेगा, साथ के साथ नहीं पूरा करेंगे। और आज हम अपना नया पाठ जो शुरू करेंगे वो है एक कविता छाता। कविता का नाम है छाता और ये कविता किन्होंने लिखी है? डॉक्टर रोहिताश्व अस्थाना। कौन है कविता के कवि? डॉक्टर रोहिताश्व अस्थाना कवि होते हैं, जो कविता लिखते हैं। तो डॉक्टर रोहिताश्व अस्थाना ने ये कविता लिखी है। बच्चों, आपको जो भी आप कविता पढ़ते हो, आपको कविता के साथ कवि का नाम याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये कविता। वर्षा का मौसम है आता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। वर्षा का मौसम कौन सा होता है? बारिश का या बरसात का मौसम। आजकल तो बारिश आती ही रहती है, आप देखते रहते होंगे। तो अभी भी रेनी सीज़न यानी बरसात का ही मौसम चल रहा है। तो वर्षा का मौसम है आता, मतलब एक बच्चा इसमें कह रहा है या कवि जो है वो कहना चाह रहे हैं कि वो बच्चा कहता है कि वर्षा का मौसम आता है, हर साल ही आता है वर्षा का मौसम, है ना। अम्मा मुझे मंगा दो छाता। अम्मा कौन होती हैं? अक्सर कुछ लोग, कुछ बच्चे अपनी दादी को कहते हैं ना अम्मा, तो वो अपनी दादी से कह रहा है कि दादी मुझे क्या चाहिए, मुझे छाता चाहिए, आप मुझे छाता मंगा दीजिए। विद्यालय आना जाना है, साग सब्जियां भी लाना है, मित्रों के संग कभी घूमना, बाबा जी को टहलना है। तो वो क्या कह रहा है कि मुझे आप छाता क्यों मंगा दो, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है? विद्यालय आना जाना है, मतलब स्कूल आना जाना है। आप जानते हो बच्चों, अभी तो कोरोना वायरस की वजह से आपका स्कूल बंद है, पर जब आप स्कूल आते थे तो स्कूल आने का एक फिक्स टाइम था कि आपको 8 बजे तक स्कूल आना ही आना है। अब मान लो उस समय बारिश हो गई तो क्या करते हैं हम, छाता लेकर जाते हैं ना, ताकि हम लेट नहीं हो जाएं। तो वो बच्चा जो है वो यही कह रहा है कि मुझे विद्यालय यानी स्कूल आने जाने के लिए छाता चाहिए, साग सब्जियां भी लाना है यानी घर की ज़रूरत का सामान जब हमें लाना होता है, फल सब्ज़ी या कोई भी दूसरा सामान, तो बारिश के मौसम में छाता ले जाते हैं ताकि हम भीगे नहीं। मित्रों के संग कभी घूमना, यानी मुझे मित्र होते हैं दोस्त, संग यानी साथ में, मुझे दोस्तों के साथ भी कभी कभी घूमने जाना होता है, या बाबा जी को टहलना है, टहलना मतलब घूमने जाना, बाबा जी को टहलाना है, सॉरी, तो टहलाना मतलब बाबा जी को भी मुझे घुमाना है। बाबा जी कौन होते हैं? दादाजी। आपके दादाजी भी अक्सर घूमने जाते होंगे ना, तो वो बच्चा अपने दादाजी को घुमाने ले जाता होगा। ऑटोमेटिक वाला भाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक क्या होता है? जो चीज़ अपने आप खुल जाती है, जैसे हमारे कुछ ऑटोमेटिक खिलौने होते हैं, कुछ बच्चों के पापा की गाड़ी ऑटोमेटिक होती है, तो उस बच्चे को ऐसा ही छाता चाहिए जो बटन दबाते ही झट से खुल जाए, मतलब जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगे, ठीक है। तो उस बच्चे को भाता, भाता मतलब अच्छा लगता है, उसे ऑटोमेटिक वाला छाता अच्छा लगता है। तो वो अपनी अम्मा से कह रहा है कि मुझे ऐसा ही छाता मंगा के देना। कैसे वाला? ऑटोमेटिक वाला। ऑटोमेटिक जो शब्द है, देखो इसके ऊपर बच्चों एक छोटी सी एक मुड़ी हुई लाइन है जो चंद्रबिंदु नहीं है। ऑटोमेटिक शब्द जो है वो इंग्लिश में और हिंदी में एक जैसा लिखा जाता है, इसीलिए जो शब्द इंग्लिश में और हिंदी में एक जैसे लिखे जाते हैं उनके ऊपर हम ऐसा निशान लगाते हैं। सोनू मोनू मिंकू भी तो छाता लेकर ही जाते हैं, ड्रेस भीग जाती है जब मेरी तब वे मुझको ललचाते हैं। सोनू में जो बच्चा है उसके दोस्तों के नाम है ये सोनू मोनू मिंकू, तो कह रहा है सोनू मोनू मिंकू भी छाता लेकर जाते हैं, मतलब वो जब स्कूल आते हैं तो मेरे सब दोस्त छाता लेकर आते हैं। ड्रेस भीग जाती है मेरी, मतलब ड्रेस क्या होती है जिसे हम पहन के स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म, वो कह रहे हैं मेरी यूनिफॉर्म गीली हो जाती है, भीग जाती है मतलब गीली हो जाती है, तब वो मुझको ललचाते हैं। ललचाते हैं मतलब कि लालच आना, किसी दूसरे की चीज़ को देख के अपने मन में लालच आना। जैसे कभी कभी कोई हम अच्छा सा खिलौना देख लेते हैं किसी के पास, तो हमारे मन में भी लालच आता है ना, काश मेरे पास भी होता, तो उसे कहते हैं ललचाना, ठीक है। बिन छाता कैसे बच पाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। यानी वो कह रहा है कि बारिश के मौसम में जब मैं घर से चला गया स्कूल, तो मैं बिना छाते के बच ही नहीं पाया, इसीलिए अम्मा मुझे आप छाता दिला दो, मतलब उसे छाते की बहुत ज़रूरत है। वर्षा में पानी से बचना, गर्मी में सूरज से बचना। वर्षा, वर्षा यानी बरसात, तो बरसात में, बारिश में उसे किससे बचना है? पानी से। और गर्मी में सूरज से बचना, यानी उसे गर्मी में बचना है धूप से। दोनों मौसम में हितकारी, पानी और धूप से बचना।
तो देखो बच्चों, वर्षा के मौसम में वो पानी से बचने के लिए छाता मांग रहा है, और गर्मी के मौसम में भी छाते का इस्तेमाल होता है। गर्मी में हमें किससे बचाता है छाता? धूप से। जब गर्मी के मौसम में कभी कभी आपकी मम्मी दिन में आपको स्कूल से लेने आती है तो छाता लेकर आती है ना, जिससे आपको धूप नहीं लगे, ठीक है। छाते का मौसम से नाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। छाते का मौसम से नाता है, नाता मतलब रिश्ता है। आपको हमेशा छाते की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों, सिर्फ आपको बारिश के मौसम में और गर्मी के मौसम में छाते की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी जो छाता है उसका जो कनेक्शन है किस चीज़ से है? मौसम से, ठीक है। इसीलिए अम्मा मुझे मंगा दो छाता, यानी अम्मा मुझे छाता चाहिए। तो थी ना मज़ेदार कविता। सभी बच्चों को ये कविता बहुत अच्छे से पढ़नी है, जैसे हम गाने गाते हैं उसी तरह से कविता को गा गा के याद करना है, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, और कवि और कविता का नाम दोनों ही चीज़ आपको ये भी याद करनी है। बच्चों, कविता पढ़ने के बाद आपको जो कॉपी में काम करना है वो ये है, आप आज की डेट डालेंगे 24/8/20, और उसके बाद लिखेंगे पाठ 6 छाता यानी पाठ का नंबर और नाम, फिर लिखेंगे पाठ परिचय यानी हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं। इस कविता में एक बच्चा छाते की ज़रूरत बताते हुए उसे दिलाने की मांग कर रहा है, यानी बच्चा जो है उसको छाते की क्या है? ज़रूरत है, और इसलिए वो दिलाने को छाता कह रहा है। नए शब्द हमने इसमें क्या पढ़े हैं? विद्यालय। विद्यालय में आधा दा होता है बच्चों, दा के नीचे हलंत लगा है दा के पैर में, तो अगर ये हलंत नहीं होता तो हम इसे पढ़ते विद्यालय, लेकिन विद्यालय नहीं होता, विद्यालय, दा की छोटा सा स्वर आता है तो आधा ही दा लिखेंगे। विद्यालय मतलब स्कूल। सब्जियाँ, सब्जियाँ में आधा बा और जा है, हमने अपने व्याकरण में पढ़ा था ना दो वर्णों का मेल, तो देखो यहाँ पे दो वर्णों का मेल हुआ है ना, आधा बा और जा, तो ये है सब्जियाँ मतलब वेजिटेबल्स। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में मैंने आपको बताया था ये छोटा सी मुड़ी हुई लाइन लगेगी, जो शब्द इंग्लिश और हिंदी में एक जैसे होते हैं उनके ऊपर ये लाइन लगती है, जैसे कि कॉपी, मैंने यहाँ कॉपी लिखा, आपको लिखना नहीं है बस समझाने को लिखा है। जैसे कि एक शब्द है डॉक्टर, इंग्लिश और इंग्लिश में भी डॉक्टर, हिंदी में भी डॉक्टर, उसके ऊपर भी हम ये निशान लगाते हैं। तो जो शब्द इंग्लिश हिंदी में एक जैसे लिखे जाते हैं उनके आगे ऊपर हम ये निशान लगाते हैं, ठीक है। ड्रेस, यहाँ पे देखो डा के पैर में रा लगा है, हमने रा का ये रूप अपने व्याकरण में पढ़ा है, तो ड्रा डा रा ड्र और ए की मात्रा स, ड्रेस, ड्रेस मतलब यूनिफॉर्म। वर्षा, व और ये है र और ये श, वर्षा, इसमें भी रा का एक रूप है, राग चार तरह से लिखा जाता है, हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा था, तो देखो उसका एक उदाहरण यहाँ पे आया वर्षा। छठा शब्द है हितकारी, हितकारी मतलब उपयोगी, कोई जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल होती है उसे हितकारी बोलते हैं, कुछ चीज़ें बेकार की होती हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होती वो हितकारी नहीं होती, और जो चीज़ें हमें उपयोगी होती हैं वो हितकारी होती हैं, ठीक है। सातवां शब्द है ललचाते, ललचाते मतलब जिसको देख के मन में लालच आए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पाठ परिचय नए शब्द आप इसी तरह से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे। पाठ परिचय व शब्दार्थ, पाठ परिचय व नए शब्द लिखने के बाद में बच्चों आपको लिखना है शब्दार्थ व वाक्य। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ, वर्ड्स के मीनिंग, व वाक्य उसे एक सेंटेंस भी बनाना है। पहला शब्द है वर्षा, वर्षा का क्या अर्थ है? बरसात। वर्षा का क्या अर्थ है? बरसात। वाक्य मैंने बनाया है कल रात को वर्षा हुई थी। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो कि बाहर वर्षा हो रही है, या मुझे वर्षा ऋतु पसंद है, कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा शब्द है संग, ठीक है, इसमें बिंदी आएगी, संग, संग मतलब साथ। मैं अपने मित्र के संग खेलता हूँ, मित्र यानी दोस्त, मैं अपने दोस्त के संग खेलता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो अलग से वाक्य अपने मन से। तीसरा शब्द है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का अर्थ है अपने आप खुलने वाला। इसका वाक्य है मेरे पास ऑटोमेटिक कार है, ठीक है। जो आपका चौथा शब्द है वो है हितकारी यानी उपयोगी। वाक्य क्या है इसका? नीम का पेड़ बहुत हितकारी होता है, मतलब नीम के पेड़ के बड़े सारे उपयोग होते हैं। भाता, भाता मतलब अच्छा लगता, कोई चीज़ जब अच्छी लगती है उसे कहते हैं भाती है ये चीज़ मुझे। तो इसका वाक्य है मुझे गाजर का हलवा बहुत भाता है, यानी मुझे गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है। आप वाक्य में जब ये प्रयोग करते हो शब्द, तो उस शब्द के नीचे आप एक लाइन खींचेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि मैंने इस शब्द का वाक्य जो है वो बनाया है इस तरह से, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपने इस कविता को बहुत, इस कविता का आनंद लिया। अब आप इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, हर शब्द आपको पढ़ना आना चाहिए, और अपना कार्य शब्दार्थ, पाठ परिचय व नए शब्द आप अपनी कॉपियों में करेंगे। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में और इस पाठ को पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।